क्या आप जानते हैं आप एक बार में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश का लेन देन नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उतनी ही रकम जुर्माने के तौर पर चुकानी पड़ सकती है। जी हाँ, सरकार ने कैश लेन देन के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। नए नियम के मुताबिक अगर आप एक वित्त वर्ष यानी कि एक साल में 20 लाख रुपए से अधिक का कैश जमा करते हैं या निकालते हैं तो आपको अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड की पूरी डिटेल देनी होगी ताकि सरकार इस कैश के सोर्स को ट्रैक कर सके और ब्लैक मनी पर शिकंजा कसा जा सके। नए नियम के मुताबिक 2 लाख से ऊपर की रकम का लेन देन कैश में नहीं होगा बल्कि ये पेमेंट चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक के जरिए करना होगा। आप दोस्त या रिश्तेदार से 2 लाख से ज्यादा की रकम कैश में ना तो ले सकते हैं और ना ही दे सकते हैं। ना ही आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश गिफ्ट में ले सकते हैं और ना ही किसी को दे सकते हैं। ऐसे ही दोस्त या किसी संस्थान से आप 20,000 से ज्यादा कैश ना तो उधार में ले सकते हैं और ना ही किसी को उधार में दे सकते हैं। और तो और संपत्ति के लेन देन में भी अधिकतम नकद की अनुमति 20,000 रुपए ही है। और हाँ, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप एक दिन में 10,000 रुपए से अधिक कैश पर किसी तरह के टैक्स में छूट नहीं ले सकते। तो ये थे कैश ट्रांजेक्शन को लेकर सरकार के बनाए नए नियम जिनका आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ऐसे नॉलेज बढ़ाने वाली एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए जुड़े